तो दोस्तों आज हम लाए अपनी गाड़ी की एक और नई वीडियो। तो इसमें जो आ रही है हमारी गाड़ी में सेल्फ मारने में आ रही है आवाज़। जैसे कि हम गाड़ी में सेल्फ मारते हैं तो ये हमारी गाड़ी आवाज़ करके सेल्फ मारते हैं, चलते में भी ऐसे करती है खटर पटर, और हल्का सा कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कि हमारी टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही हो। तो गाड़ी हमारी चल चुकी है 34,000 किलोमीटर और करीबन 4 साल हमारी गाड़ी को, 14 साल चल रहा है गाड़ी को। तो अभी तक इसमें टाइमिंग चेन हमारी गाड़ी के साथ की हमने नहीं डलवाई है, क्योंकि क्लच प्लेट टाइमिंग चेन गाड़ी में भी इंजन में कोई काम नहीं हुआ, जैसी बस सर्विस हुई है, ब्रेक शू फिल्टर वगैरह डले हैं। अब हम खोलेंगे इसका, पहली बार ये खुलेगा मैग्नेट, तो मैग्नेट खोल के देखते हैं इसकी किस चीज़ की सेल्फ मारने पर ये आवाज़ कर रही है, और इसकी टाइमिंग चेन भी देखते हैं हम ख़राब है या इसके अंदर हमें ऐसा लगता है जैसे कि बेल्ट चाहे जैसे कि सेल्फ की चेन होती है वो आवाज़ कर रही हो, या जैसे कि इसमें पलेट होती है, वन वे क्लच होता है, जैसे वन वे क्लच के बोल्ट वोल्ट ढीले हों, तो एक बहुत बुरी आवाज़ करी है सेल्फ मारने में। तो हम सेल्फ मार्किंग नहीं दिखा रहे क्योंकि काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो पहले हम खोलते हैं देखते हैं इसके सेल्फ। तो दोस्तों हमने खोल लिया अपनी गाड़ी का मैग्नेट, आप देख सकते हैं, निकालो इसे कार्टन निकालो। तो हमारा जो मैग्नेट हमने निकाल लिया, तो हमारा जो निकला है इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे थे ये हमारा वन वे क्लच निकला है इसका टूटा हुआ। वन वे क्लच के ऊपर की हमारी प्लेट होती है। तो दोस्तों ये हमारा वन वे क्लच, तो वन वे क्लच की हो गई है हमारी ये प्लेट जो कि आप देख सकते हैं हो गई है ख़राब, वन वे क्लच की हमारा गया है टूट। तो ये जो होती है हमारी प्लेट वन वे क्लच की देख सकते हैं आप, ये तो हमारी टूट गई थी प्लेट, जो कि हमारी सेल्फ मारने में काफ़ी कटर पटर की आवाज़ कर रही थी, जिसकी वजह से हम इसमें सेल्फ भी नहीं मार रहे थे। पर हमारा ये वन वे क्लच डालना पड़ेगा उसके अंदर नया, क्योंकि प्लेट दोस्तों ये आती नहीं है, नहीं क्लच हमारा बिल्कुल ठीक है, सेल्फ की गोलियाँ ठीक हैं, सेल्फ भी हमारी गाड़ी ले रही थी, पर ये सेल्फ मारने वक्त कटर पटर इस तरीके से आवाज़ करती थी। तो अब हमने ये खोल लिया है, अब खोल के हो गई हमारी ये प्लेट ख़राब। तो दोस्तों प्लेट ये आती नहीं है, बाकी हमारा ये क्लच ठीक है, वैसे देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, गाड़ी के साथ काया बिल्कुल ओरिजिनल है। और गोली वोली जैसे कि मकसद जैसे बाजी गाड़ी खोलते हैं आपने देखा होगा, तो हमारी इसके अंदर ये जो ये गोलियाँ लगती हैं सेल्फ की, और ये इसका रूलर होते हैं, ये अंदर जाम हो जाते हैं। तो इसमें ये भी कोई कंडीशन नहीं निकली है जाम वाली, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये लगेगा। अब हम क्या करते हैं इसमें वन वे क्लच डालते हैं नया, क्योंकि ये पत्ती अलग से आती नहीं है, ज़्यादातर 90% जो होता है वन वे क्लच में जो ख़राब होता है यही ख़राब होती है, पत्ती टूट जाती है और पत्ती मिलती नहीं है। और दोस्तों आपको बता दें इस पत्ती का जो काम होता है क्या होता है, इस पत्ती का सिर्फ ये काम होगा जो हमारी गोलियाँ होती हैं सेल्स की वो ना निकलें, इसका सिर्फ यही काम होता है। ये वन वे क्लच जैसे कि हमारे इस तरीके से लगेगा। तो हम दिखाते हैं आपको वन वे क्लच नया कैसा है और हम इसमें कौन सी कंपनी का वन वे क्लच डाल लें। तो दोस्तों ये ले लिया है हमने नया वन वे क्लच, देख सकते हैं ये रहा हमारा वन वे क्लच पूरा। तो ये जो आप देख सकते हो ऊपर की पत्ती गई थी हमारी टूट टूट के, जो कि ये अपने मैग्नेट मार ली थी और ये कर रही थी आवाज़। तो इस पत्ते का जो काम होता है सिर्फ ये काम होता है, जैसे कि हमारी ये सेल्फ की गोलियाँ लगी हुई हैं, ये निकल के ना भागे सेल्फ मारने के बाद, क्योंकि इधर भी ये पत्ती लग जाती है, ये छोटी पत्ती ये देख सकते हैं इधर ये वाली पत्ती लग जाती है, तो ये हो जाएगी हमारी सेल्फ की गोली, इसके अंदर कवर हो जाती है। जब हम सेल्फ की गोली सेल्फ मारे तो गोली ना निकले, इस पत्ती का तो कि इतनी नहीं होती ख़राब, पर ये पत्ती जाती है हमारी ख़राब ऊपर वाली, इसका सिर्फ काम ये होता है कि ये गोलियों को रोके रखे, बाकी इसका कोई काम नहीं होता। बिना प्लेट के भी ये अपनी चल सकती है गाड़ी, पर क्या हमें सेल्फ की गोली निकलने के चांस रहेंगे सेल्फ मारने के बाद ऊपर को, इसलिए इस पत्ती का ही काम होता। तो हम ये लिया है हमने देसी है, मतलब लोकल ही है ये जो है हमारा वन वे क्लच, हमने ओरिजिनल तो नहीं लिया है, क्योंकि ओरिजिनल जो आप वन वे क्लच लेते हैं वो 550 से 600 रुपये का होगा, ये हमने लिया है परचेस करा है 250 रुपये का। तो हम इस वन वे क्लच के साथ जो है काम करने वाले हैं नया, तो ये जो गोली है हम गोली ये वाली निकाल लेंगे, वन वे क्लच के रूलर भी निकालेंगे, क्योंकि हमारी जो गाड़ी के साथ के ओरिजिनल हैं हम इसके अंदर जो सामान है अंदर का वो फिट करेंगे, क्योंकि ये हमारी गोलियाँ दे सकते हैं गाड़ी के साथ की हैं, अभी तक इसमें जरा सा भी कोई कहीं भी निशान या कोई घिसी नहीं है। और ये जो है हमारा वन वे क्लच जो हमने लिया है ये है लोकल, क्योंकि ये कच्चा लोहा होता है एक तरह का, हमने कई गाड़ियों में अक्सर डाला भी ये वाला, तो ये गोलियों पर निशान आ जाते हैं, ये जो रोलर है ये अंदर ही फंसे रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अब तो ये काम कर रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से, ये देख सकते हैं ये गए अंदर, अभी इसमें कुछ दिन बाद अगर हम चलाते हैं ये रोलर अंदर ही दबे रहते हैं इस तरीके से। तो कभी कभी जब सेल्फ हमारी कर देती है, मतलब आवाज़ आ जाए, हम सेल्फ मारते हैं ना, सेल्फ तो घूमता पर इंजन नहीं घूम पाता, वो इसलिए क्योंकि रोलर अंदर दब जाते हैं, गोली पूरी तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि अब ये नया है इसलिए सही काम कर रहा है ये। तो हम इसकी गोलियाँ और ये रोलर डालेंगे अपने पुराने ही वाले, जो कि हमारे पास ये रखे हैं ट्रे के अंदर, जो कि हमारी कंपनी ने दिया था गाड़ी के साथ के ही है। बाकी ये जो है प्लेट की वैसे हमें चेंज करना पड़ रहा है, और ये डालेंगे हम ये वाला नया, और ये सामान डालेंगे हम पुराना। तो हम इसे निकाल लेते हैं पहले अलग, जैसे कि हम इसे अलग निकाल के रख लेंगे, कभी काम आ जाएगा किसी
की अगर खराब होता है, क्योंकि गोलियाँ भी नहीं आती हैं, लोकली आती हैं। ये देखिए हमने निकल ली है इसके, ये रूलर भी हम नहीं डालने वाले हैं इसके अंदर, निकालो इन। तो इसकी स्प्रिंगों की बात की जाए, इसमें देखो स्प्रिंग हमारी ये है, इस तरीके की स्प्रिंगे हैं, ये डबल है स्प्रिंग है। ये हो गया हमारा वन वे क्लच बिल्कुल खाली। तो हम डालेंगे जो हमारे हिस्से में सामान रखा हुआ, तो एक स्प्रिंग दिखाते हैं नई जो हमने लिया है, ये नया वाला देखो। अरे एक स्प्रिंग इसकी निकालो, तो देखो ये है हमारी वन वे क्लच जो हमने नया लिया है, जो कि लोकल है, इसमें निकली है ये वाली स्प्रिंग। और हम दिखाते हैं, ये है हमारी स्प्रिंग पुरानी, ये देखें पुरानी स्प्रिंग जो कि हमारी है, ये देख सकते हैं इतनी लंबी है। तो इसका मतलब ये है हमें स्प्रिंग ये लंबी वाली डालनी पड़ेगी, वो इसलिए क्योंकि इसके जो खांचा होगा हमारे वन वे क्लच का नए वाले का, इसका गहरा खांचा है, यहाँ तक खांचा होगा, तो इसका जो है पुराने का है जो है हमारे खांचा कम होगा, इसलिए स्प्रिंग है लंबी और छोटी। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं और आपको बताते हैं स्प्रिंग हमें कौन सी लगानी है। तो दोस्तों हम चेक करते हैं इन स्प्रिंगों की वन वे क्लच में क्या है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, ये है हमारा पुराना वन वे क्लच जो कि हमारी गाड़ी के साथ का है ये, और ये स्प्रिंग भी इसी की है। तो जैसे कि हम ये स्प्रिंग डालते हैं इसके अंदर वन वे क्लच के अंदर, देखते हैं इसमें कितनी जाती है। ये हमारी इतनी स्प्रिंग गई आधी, और आधी ये स्प्रिंग बाहर। तो इसका मतलब इसका बस सुराग यहीं तक ही माने आप, जो ये सुराग। अब हम देखते हैं जो हमारा लोकल है वन वे क्लच, उसमें ये स्प्रिंग कितनी जाती है। इतनी ही जाती है, तो हम स्प्रिंग ये डालेंगे, नहीं तो फिर नहीं डालेंगे। ये डाल दी हमने स्प्रिंग, तो दोस्तों स्प्रिंग हमारी चली गई है इतनी। तो ये हमारा काम नहीं करेगी स्प्रिंग इसके अंदर, क्योंकि ये स्प्रिंग अंदर तक चली गई है और हम गोली डाले हैं, तो ये गोली भी फेंक नहीं कर पाएगी यहाँ तक। तो देखो लोकल और ओरिजिनल में ये अंतर रहता, इसकी इन्होंने कर दिया गहराई ज़्यादा, लोकल की अरे गहराई कम होती, और हमारी स्प्रिंग कई जो होती वो अगर यहाँ तक रहती तो हम स्प्रिंग डालते यही इतनी, इतने में गोली आएगी। तो गोली जैसे कि हम सेल मारते हैं तो ये गोली बाहर रहिए, जब ये फ्री हो जाता है सिले मारने बाद, तो गोली अपने यहाँ आ जाती है, जिससे कि हमारा मैगनेट घूमता रहता। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे मैगनेट इस तरीके से सिले मारने के बाद ये क्लच कैसे काम करता है, मैगनेट कैसे फ्री हो जाता। तो दोस्तों अब इसमें ये नहीं डलेगी स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग डलेगी जो इसके साथ आई है, तो इसलिए हम स्प्रिंग निकाल के इसमें डालेंगे, स्प्रिंग जो है इसके साथ आई है वो। तो इसके जो सात स्प्रिंग हैं, ये देखो कितनी लंबी स्प्रिंग है इसकी, और इसकी पूरा आधे का अंतर है, तो इसलिए हम स्प्रिंग डाल दें इसमें यही वाली, और गोली डालेंगे हम यही वाली इसके अंदर जो निकली है हमारी। तो इसे भी डालते हैं, देखते हैं हमारे गाड़ी के साथ का है रूलर, इसमें ये स्प्रिंग आती है या नहीं आती है। स्प्रिंग भी ठीक है, ये मतलब ये ठीक है, तो स्प्रिंग डालने हम नई वाली, पर बाकी सामान डालेंगे हम इसका पुराना। ये रहे हमारे रोलर जो है, ये है पुराने, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी निशान नहीं दे सकते, बिल्कुल ओरिजिनल है। तो रोलर डालेंगे हम पुराने इसके अंदर, ये देखो ये लगा दिया हमने इस तरीके से हमारा सही काम कर रहा है। ये भी पुराना है, ये इसका स्प्रिंग जो है वो नई है, और ये भी इसका जो रोलर है स्प्रिंग पे जो लगता है वो पुराना है। तो हमें इसी तरीके से ये तीनों फिट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फिट, देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से हमारा काम करता है। ये रहा गोली हमने डाली इसमें पुरानी, और हम प्लेट भी ये है गाड़ी के साथ की प्लेट जो पुरानी वाली है, ठीक है। तो हम ये प्लेट भी हम पुरानी ही लगाने वाले हैं, नई नई लगा रहे हैं, चाव आप नहीं लगा सकते हो, पर ये गोली तो हमने वही डाली जो कि हमारा था। अब हम लगा देते हैं, जब बंदे कलेक्ट कर देते हैं फिट। इसके तीन बोल्ट होते हैं, हम तीनों बोल्ट इसके कर देते हैं लिंकी वाले। तो कभी कभी दोस्तों एक बार फेल में आवाज़ आने लगती है, तो इस बात का ध्यान रखें, जिसके बोल्ड होते हैं लंकी वाले ये हो जाते हैं लूज, तो इस वजह से भी गाड़ी में आवाज़ आने लगती है, तो इन्हें भी ये टूट जाते हैं। तो जब ये टूटते हैं तो मैगनेट के अंदर टूट जाते हैं, तो उसके लिए फिर आपको मैगनेट भी चेंज करना पड़ेगा। तो कभी सेल हमें जैसे कि आवाज़ आनी चालू हो, तो आप जब भी इसका खुलवा के चेक करवा लें सेल, तो आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं, क्योंकि तो फिर खर्चा ज़्यादा आ जाता है, ये बोल्ड टूट जाते हैं, फिर हमें डालना पड़ता पूरा मैगनेट नया। तो हम पहले इन्हें कस लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने कर दिया इसका वन वे क्लच टाइट कर दिया, इन बोल्टों को अब ध्यान से कसना है। ये बोल्ट ढीले होने के बाद आवाज़ आने लगती है क्लच में से, और ये अगर बोल्ट जब ढीले हो जाते हैं तो गाड़ी का, क्योंकि इंजन जब सेल मारते हैं पूरा झटका लगता है सेल मारने के बाद, तो ये बोल्ट तीनों टूट जाते हैं, टूटने के बाद ये इसके अंदर फंस जाते हैं या ढीले होने के बाद। तो हम जब भी अगर हम ये बोल्ट टाइट करते हैं या हम वन वे क्लच किसी भी गाड़ी का नया डालते हैं, तो
तो हम इन बोल्टों में क्या करते हैं, थोड़ी सी हल्की हल्की सी तीनों में फेविक्विक डाल देंगे तीनों बोल्टों में, जिसकी वजह से यहीं के यहीं अपने फेविक्विक की वजह से ये चिपके रहेंगे, लूज भी नहीं होने के हैं और ये अपने झटका भी नहीं लगेगा इसके अंदर। ये हम डाल देंगे इसमें एक बूंद फेविक्विक, फिर डाल दी दो बूंद हमने फेविक्विक इसके अंदर, दो बूंद डाल दी हमने इसके अंदर, फिर चोरियों को कर देंगे हमारे को यहीं जाम, क्योंकि अभी से हम थोड़ी देर के लिए यूँ रख देंगे जिससे कि हमारी ये फेविक्विक सूख जाए। सूखने के बाद ये बोल्ट ढीले नहीं होने के हैं, एलंकी का बोल्ट है कस्तो देखे हमने पूरे टायर दिए, फिर मैं ताजी के लिए अब इसके अंदर फेविक्विक डाल देते हैं ज़रूर चूड़ियों के अंदर। अब ये बोल्ट यहीं के यहीं फिक्स हो जाएंगे, बाकी इसे रख दिया है हमने यहाँ। अब बाकी हम करते हैं इसकी इतने सफाई दोस्तों, हम लगाने वाले हैं इसका मेंट और आपको दिखा दें मेंट हमारे लगाने के बाद ये फसा दी हमने इसकी गरारी और ये लग गई हमारी काटा। तो दोस्तों ये लगा दी हमने इसकी गरारी, तो अच्छा इसमें एक चीज़ जो ये लगी गाड़ी में और गाड़ियों में देखा आपने देखा होगा कि और हम आती है चैन सेल्फ की आती है चैन, जैसे कि हमारी स्प्लेंडर प्रो जो सेल्फ स्टार्ट है या क्या नाम जी पैशन प्रो जो हमारी सेल्फ स्टार्ट है उनमें आती है सेल्फ की चैन, तो सेल्फ की चैन भी आवाज़ करने लगती है। तो हम अब कंपनी ने इस मॉडल में जो दिया है इसमें दिए सेल्फ की गरारी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये गरारी ख़राब नहीं होती आसानी से, मतलब ख़राब ही नहीं होती ना कोई चीज़ में अड़ जाए, सेल्फ की गोली वगैरह आ जाती या जैसे कि हमारा ये टूटा था इसका ये टूट गई थी या आ जाती तो नखा टूट जाता तो बात एक अलग है ना, वैसे ये गरारी हमारी नहीं होती ख़राब और ना ही इसमें से आती है कोई आवाज़। तो मेरे लग करने से पहले हम लगा लेंगे गरारी इसकी, ये गरारी लग गई हमारी, क्योंकि जैसे कि हम आपको बता दें दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं और गाड़ियों में जो हमारी है उन्होंने आती है चैन, इसमें ये गरारी जब हम सेल्फ मारेंगे तो सेल्फ घूमेगा, सेल्फ घुमाएगा इस गरारी को और ये गरारी घुमाएगी हमारी बड़ी गरारी को और ये बड़ी गरारी घुमाएगी हमारी मैग्नेट को, तो जब होती है हमारी गाड़ी स्टार्ट। देख सकते आप इसका रीज़न, पहले सेल्फ घूमेगा फिर ये वाली गरारी घूमेगी फिर ये वाली गाड़ी घूमेगी और जब हमारा मैग्नेट घूमेगा जब भी हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो एग्जाम्पल इसमें सेल्फ मारेगा तो पहले हम लगा लेते हैं इसकी पत्ती जो कि ये है गरारी रोकने के लिए कंपनी ने दी है, ये कोई सी भी गाड़ी हो आपकी सबों में आती है पत्ती लगी हुई, क्योंकि पैसन वैसन में ऊपर आती है, इसमें ये दिए साइड में पत्ती इससे कि गरारी बाहर बोला है निकल कर बोल कर लेना हमें ये। अभी हमारी हो गई स्पीड बिल्कुल, अब देखो हम आपको दिखाते हैं सेल्फ मारकर गाड़ी के अंदर किस तरीके से हमारे ही घूमेगा, ये देख सकते हैं आपने ये सेल्फ घुमाएगा इस गरारी को जो घुमाएगी इस गरारी को। अब यहाँ लग के हमारी जो गोलियाँ होती हैं जो सेल्फ की हम गोलियाँ बोलते हैं वन वे क्लच होता है, गोलियाँ यहाँ फंस जाती हैं जब ये सेल्फ को घुमा देती हैं, ये गोलियाँ देख सकते हैं आप ये लगेंगी हमारी यहाँ और उसके बाद घूमता हमारा ये मैग्नेट, मैग्नेट घूमेगा ये हैं इसकी कोयल है तो इसके अंदर कंड बनता है गाड़ी जाती है हमारी स्टार्ट। हम इसे लगाते हैं मैग्नेट को, तो दोस्तों ये लग गया हमारा सेल मतलब मैग्नेट, अब हम इसे मैग्नेट कस के आपको एक बार और स्टार्ट करके मतलब सेलो मारकर दिखाएंगे किस तरीके से काम करता है हमारा। तो कार्डर भी फंसनी जरूरी है, बोल्ट हमें करना है ये पूरा टाइट। तो हम ये इस गाड़ी में ये सिस्टम अच्छा लगा क्योंकि इसमें चैन नहीं दी है अपने गरारी दी है, तो इसमें आपका चैन का भी खर्चा नहीं है और ना ही जैसे उसके पेड़ होते हैं सेल्फ की चैन के उसका भी खर्चा नहीं है, तो बस हमें ये मैग्नेट करना है आप टाइट इसका। तो हमारा मैग्नेट हमने कर दिया है टाइट, अब देखते हैं हम सेल मार के देखो किस तरीके से हमारा ये मैग्नेट घूमता, ये देख सकते हैं आप सेल घुमाएगा इस गरारी को ये घुमाएगी इस गरारी को ये घुमाएगा हमारा मैग्नेट, ये देखो जब हमारा सेल घूम जाता है ये गाड़ी हो जाती है फिर हमारी बिल्कुल फ्री, इसका कोई काम नहीं रहता इस तरीके से, जैसे कि ये सेल हमारा घूमेगा इधर को जब ये सेल हमारेंगे हमारे जब भी काम करेगा हमारी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद देखो हम ये गाड़ी हाथ से रोक ली, अब ये गाड़ी हमारी नहीं करेगी काम, इंजन हमारा बिल्कुल घूम रहा है ठीक, ये देख सकते बस गोली जब ऊपर को आ जाती है जिससे कि गोली जैसे हमने दिखाया था ये काम करती, जब हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता तो इस गाड़ी का सेल्फ का पैदा हमारा काम खत्म, सिर्फ इंजन घुमाने के वक्त ये गरारी हमारी काम करती है, बाकी हम गाड़ी ये देखो हम मैग्नेट घुमा रहे हैं हमारी ये गरारी नहीं घूमेगी, पर हम उल्टा घुमाएंगे मैग्नेट तो हमारी वाली गरारी घूमेगी देखो, ये रहा हम इसे हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे पर ये नहीं रुकेगी, ये रही देख सकते हैं आप ये अब ये देखो हमारा कर रहा है काम, इधर जब हम सेलो मारते हैं सिर्फ ये जब भी काम करती है गरारी उसके बाद इसका गरारी का हो जाता है काम खत्म,
अब हम लगाते हैं इसका माइंड, स्टार्ट करके देखते हैं इसमें आवाज़ तो नहीं आती है। दोस्तों जैसे कि हम कभी आप गाड़ी का मैग्नेट खोलें, इन गाड़ियों का जिसमें कि उल्टे मैग्नेट हैं, तो ये इसकी पिकअप कॉइल होती है। तो ये खुलती तो है नहीं बार बार, ना सर्विस पे खुलती है, तो इस पर कभी जब भी हो इस पर हल्का सा ब्रेक मार मार लें। पिकअप कॉइल इस पर ब्रेक मार मारने से क्या होगा, हमारी गाड़ी के बाजी जैसे इस पर अगर ज़्यादा जंग आ जाता है तो थोड़ी गाड़ी करती हमारी परेशान करने में, जैसे कि गाड़ी झटके लेती है, मिसिंग करती है, तो वो हो जाएगी हमारी मिसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व। तो पिकअप कॉइल को ज़रूर इस पर हल्का सा सैंड पेपर से आप इसे साफ कर दें। तो दोस्तों ये हमने लगा दिया कवर, हम इसका बोल्ट ऐड करके आपको दिखाते हैं सेलो मारकर कैसे हमारी गाड़ी में कोई आवाज़ तो नहीं है सेल्फ की। यस दोस्तों ये हो गया हमारी कंप्लीट, बोल्ट हमने टाइट कर दिया, हम आते हैं इसमें सेल्फ मारो, सेल्फ गाड़ी में मारो, सेल्फ मारो, देख देख सकते हैं हमारी गाड़ी हो गई है स्टार्ट। सेल्फ में कोई सेल्फ मारने का कोई आवाज़ नहीं आ रही है, पहले इसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से आवाज़ आ जाती थी सेल्फ मारते समय, अब इसमें कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये था इस गाड़ी के अंदर सेल्फ के अंदर, ये हमने इसका निकाल दिखा दिया आपको। इसमें वन वे क्लच की ये प्लेट टूटी हुई, क्योंकि जब भी आपकी गाड़ी की अगर ये प्लेट टूटी है तो आपको वन वे क्लच डलवाना ही पड़ेगा नया, वैसे तो आप ओरिजिनली डलवाओ वन वे क्लच, क्योंकि हमने तो इसमें कर दिया है वन वे क्लच प्लेट की वजह से, हमने अंदर की गोली हमने जो थी गाड़ी के साथ फिरा लिया, इसकी गोली अगर टूटी हुई निकलती तो हम पूरा फिर इसके अंदर डालते हीरो का ला के क्लच, वन वे क्लच ही जो हमारा ख़राब था, पर गोलियाँ ठीक थी इसलिए हमने ये डाल दिया। इसमें अगर कोई दिक्कत आती है फिर हम डालेंगे इसके अंदर, हम देखते हैं कि कितने दिन चलता है, क्योंकि ये हमारा वन वे क्लच चला 3 साल और अब जो हमने लोकल डाला है हम देखते हैं कितने दिन चलता। अगर इसमें अगर खराबी आती है फिर हम डालेंगे इसमें लागे हीरो का ही ओरिजिनल वन वे क्लच। तो दोस्तों देख लिया आपने किस तरीके से हमने वन वे क्लच डाला है,